पाकिस्तान इस समय बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे इस देश की हालत लगातार खराब होती जा रही है। महंगाई चरम पर है, बुनियादी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, या यूं कहें कि पाकिस्तान के सामने संकट ही संकट है। चाहे वो आर्थिक संकट हो या राजनीतिक संकट या फिर सुरक्षा का संकट, पाकिस्तान हर तरफ से एक नाजुक कोण से गुजर रहा है। नमस्कार, मैं सदफ सैफी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। इस बीच हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी जनसभा में भारत का गुणगान किया है। दरअसल इमरान खान ने महंगाई के मुद्दे पर शहबाज सरकार पर जमकर हमला बोला। भारत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में महंगाई दर 6% है, जबकि पाकिस्तान में ये 31% हो गई है। यहाँ आवाम को आटा दाल भी नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान की आवाम इस समय दाने दाने को मोहताज हो गई है। बता दें कि इमरान खान ने लाहौर में सरकार की धमकियों के बावजूद मीनारे पाकिस्तान रैली की। तमाम तरह की बाधाओं के बावजूद बड़ी संख्या में लोग मीनार ए पाकिस्तान में आए। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि हमारा मुल्क बर्बादी की कगार पर खड़ा है, इकोनॉमी को बूस्ट करने की ज़रूरत है, हमारे पास पर्याप्त डॉलर नहीं है, जब निर्यात बढ़ेगा तो डॉलर का प्रभाव भी बढ़ेगा। हजारों लोगों की भीड़ में इमरान खान ने शासन में सुधार और निर्यात बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी का रोड मैप पेश किया। उन्होंने दावा किया कि उनके विजन से मुल्क की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इमरान खान ने शासन में पूर्ण सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। देश की मौजूदा स्थिति के लिए पाकिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जाहिर है कि पाकिस्तान में गरीबी दर में 35.7% की बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 85.75 करोड़ डॉलर के करीब बचा है, जबकि इस समय देश पर 270 अरब डॉलर का कर्ज बाकी है। ऐसे में पाकिस्तान का खुद को दिवालिया होने से बचा पाना ही बड़ी चुनौती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 डिजिटल।